assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi चिल्ड्रन एंड वेलकम टू my चैनल अपने स्कूल हाउ आर यू चिल्ड्रन कैसे हो आप फाइन ओके दैट्स गुड डियर चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू हैव फन प्यारे बच्चों आज हम मजा करने वाले हैं बिकॉज टुडे वी विल सिंग अ नंबर सॉन्ग एंड also लर्न टू मेक फिंगर caps क्योंकि आज हम का गीत गाएंगे और साथ ही उंगलियों की बनाना भी सीखेंगे सो so लेट्स तो फिर चलो मजा करते हैं सो माई डियर चिल्ड्रन ओपन यूर मैथमेटिक्स एन सी ऑन पेज नंबर ट्वेल्व नंबर सॉन्ग एंड फिंगर कैप्स इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स यानी कि उस्ताद के लिए हिदायत आई एम अ टीचर मैं उस्ताद हूँ दीज इंस्ट्रक्शंस आर फॉर मी और ये इंस्ट्रक्शन ये हिदायत किसके लिए है फिर मेरे लिए है सो डियर चिल्ड्रन आई विल फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन इसलिए मुझे इन हिदायत पर क्या करना होगा अमल करना होगा लेट्स रीड वाट आर द इंस्ट्रक्शन कट सर्कल्स ऑफ अबाउट फाइव सेंटीमीटर डायमीटर देखो बच्चों क्या करना है यहाँ पर कट सर्कल्स ऑफ अबाउट फाइव सेंटीमीटर डायमीटर फाइव सेंटीमीटर यानी पाँच सेंटीमीटर डायमीटर यानी पाँच सेंटीमीटर कुत्र का यहाँ पर हमें एक दायरा कट करना है तो फिर अब मुझे इस पर अमल करना है इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक दायरा कट करके बताती हूँ देखो मैंने यहाँ पर इस पर फाइव सेंटीमीटर डायमीटर का क्या लिया है नाप लिया है अब देखो किस तरीके से दायना बनाएंगे पेपर पर आप कोई भी पेपर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो यूज कर सकते हो मैंने यहाँ पर वाइट पेपर लिया है आप कलरफुल पेपर भी ले सकते हो देखो इस तरीके से ये सर्कल रेडी हो गया अब इसे क्या करना है सीजर से यानी कि कई से कट करना है काटना है लेट्स कट तो ये हो गया हमारा फाइव सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कल कट हो गया अब इसके आगे देखो बच्चों क्या करना है कट ईच ऑफ देम इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स अब इसे क्या करना है इस सर्कल को थ्री इक्वल पार्ट्स में कट करना है यानी कि तीन बराबर हिस्सों में हमें इसे कट करना है तो देखो बच्चों किस तरीके से कट करेंगे देखो ये हो गए थ्री इक्वल पार्ट्स अभी से क्या करना है सीजर से कट करना है ओके बी केयरफुली अवे योर फिंगर्स फ्रॉम सीजर अपने हाथ जो है कैसी से थोड़े दूर रखने हैं के okay. ये बन गए हमारे थ्री इक्वल पार्ट्स मेक अ कैप ऑफ ईच पीस यूजिंग अ गम टेप अब क्या करना है बच्चों गम टेप का इस्तेमाल करके या फिर ग्लू का इस्तेमाल करके आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल करके क्या करना है हमें एक कैप बनानी है देखो किस तरीके से बनाएंगे हम कैप एक पीस लेंगे और इस तरीके से उसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे गम लगाएंगे देखो यहाँ पर इस एक साइड पर क्या लगाएंगे हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और अब इसे क्या करेंगे थोड़ा फोल्ड करेंगे इस तरीके से थोड़ा प्रेस करेंगे बन गई हमारी कैप देखो किस तरीके से कैप बनी है इस तरीके से आपने भी क्या करना है बच्चों अपनी मम्मी की मदद से अपनी मम्मी की हेल्प से क्या करना है इस तरीके की कैप बनाना है देखो मैंने यहाँ पर ये कैप्स रेडी किए हैं अब देखो बच्चों मेरे पास कलर पेपर नहीं था तो मैंने क्या किया है वाइट पेपर को कलर किया है यानी कि अपने पास स्केच पेन होते हैं ना स्केच पेन से मैंने क्या किया है कलर किया है और उसके बाद इन्हें क्या किया है फिर ग्लू से स्टिक किया है चिपकाया है इस तरीके से मेरे पास क्या बन गई कलरफुल कैप बन गई ओके अब देखेंगे आगे क्या है सी दैट चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी देखो अब मैं टीचर हूँ तो मुझे क्या देखना है क्या ध्यान रखना है कि बच्चों बच्चे इसमें पार्टिसिपेट यानी हिस्सा ले रहे हैं या नहीं इस एक्टिविटी में इस सरगर्मी में दे विल इंजॉय एक्सचेंजिंग द कैप्स एंड प्लेइंग विथ डैम देखो बच्चे क्या करने वाले हैं तुम लोग इंजॉय करेंगे एक्सचेंज करेंगे क्या करेंगे कैप तब्दील करेंगे एक दूसरे को देंगे और खेलेंगे उन कैप के साथ में इट इज़ ईजी टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स ओनली आफ्टर रिसाइटिंग द नंबर्स फ्रॉम वन टू टेन देखो बच्चो हमें किसी भी चीज़ को गिनना बहुत ही आसान होता है काउंट करना बहुत ही आसान है लेकिन वो कैसे बच्चों हमें क्या करना है वन टू टेन जो नंबर है उसने रिसाइट करना है यानी याद करना है सो आस्क द चिल्ड्रन टू सिंग द नंबर सॉन्ग स्टूडेंट्स विल हैप्पी प्रैक्टिस रिसाइटिंग फ्रॉम वन टू टेन बाय सिंगिंग द सॉन्ग तो क्या करना है बच्चों आपको यहाँ पर एक नंबर सॉन्ग क्या करना है गाना है तो फिर देखेंगे आगे हम ये गाना क्या करेंगे नंबर सॉन्ग गाएंगे लेट्स रीड वट इज़ द सॉन्ग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन माई फिंगर्स आर टेन मेरे हाथ की उंगलियाँ कितनी है बच्चों टेन उंगलियाँ है टेन फिंगर्स है लेट्स काउंट्स देम नाउ एंड अगेन बार बार हमें इसे क्या करेंगे गिनेंगे एवरीबडी हैज़ फिंगर जस्ट टेन हम सबको कितनी फिंगर्स होती है टेन फिंगर्स होती है दस उंगलियाँ होती है डेकोरेट दैम विथ पेपर कैप्स हमें इन्हें किससे डेकोरेट करना है किससे सजाना है पेपर कैप से सजाना है दैट आर सो इजी टू गेट रेड येलो ब्ल्यू पर्पल और इज द वाइट यूअर बेस्ट देखो किस तरीके से डेकोरेट करेंगे हम बहुत ईजी है पेपर की क्या करेंगे कैप बनाएंगे टोपियाँ बनाएंगे वो भी कैसी कलरफुल कौन कौन से कलर की रेड देखो यहाँ पर है रेड उसके बाद में येलो ब्लू और पर्पल और बेस्ट वाला कौन सा वाइट यानी के सफ़ेद हाउ मैनी कैप्स एवरीबडी

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, my fingers are 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, my fingers are 10. Let's count them now and again. Let's count them now and again. Everybody has finger just 10. Everybody has finger just 10. Decorate them with paper caps. Decorate them with paper caps. That are so easy to get. That are so easy to get. Red, yellow. Red, yellow. Blue, purple. Or is the white? You are best. best. Or is the white? white. You are best. best. How many caps? Cap. Cap. Everybody. How many caps? Cap. Cap. Everybody. Everybody. Then should obtain. obtain. Then should obtain. Each finger to have a, a cap. cap. Each finger to have a, a, a cap. cap. Then the caps. Also ten. Then the caps. Also ten. Are you enjoyed children? Okay. Are you enjoyed or not? Please tell me with comments. Thank you for watching my video. Goodbye and take care. We will meet in next video. Till then Allah Hafiz.